वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के अड्डे 6 में। दोस्तों लॉकडाउन हो चुके हैं हम लोग। जी हाँ, आज हमारा पूरा देश लॉकडाउन हो चुका है। कारण सिर्फ एक है, वो है कोरोना वायरस। जी हाँ, COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस डिजीज 19। जी हाँ, ये हमें डिस्टर्ब कर चुका है, हमारे पूरे देश को डिस्टर्ब कर रहा है। और अब यहाँ पे लड़ने की बारी है इससे, और लड़ने के लिए आपको शस्त्र नहीं उठाने हैं, लड़ने के लिए आपको यहाँ पर घर बैठे लड़ाई करना है। जी हाँ, बाहर ना जाएं, घर में बैठे लड़ें, क्योंकि कल से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने हमें आगाह किया है और एक लॉकडाउन के लिए कुछ गाइडलाइंस दिए हैं जिसे हमें फॉलो करने होंगे। तो उन सभी गाइडलाइंस के बारे में मैं आपसे यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबा के हर एक वीडियो की ऑफिशियल अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों, मैं बताने वाला हूं यहाँ पे कुछ अपडेट जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले गाइडलाइंस में हम जानते हैं कि कौन कौन सी संस्था ओपन रहेगी और कौन सी संस्था यहाँ पे बंद कर दी गई है, यानी कि 21 दिन के लिए हम, आप और पूरा देश लॉकडाउन हो चुके हैं। जी हाँ, देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितने भी ऑफिसेस हैं वो सारे बंद रहेंगी, ऑटोनोमस ऑफिसेस भी बंद रहेंगी, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी जो कि हमारे देश की सेना हमें देगी। जी हाँ, हमारे सुरक्षा के लिए हमेशा हमारी देश की सेना हमेशा से आगे बढ़कर आई है, तो इस बार भी आगे आ रही है, उन लोगों के लिए आ रही है जो लोग घर में बैठे खुद को देखना चाहते हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, बिना मतलब के बाहर जा रहे हैं और बाहर जाकर भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए हमारी सेना यहां पर आ रही है। और आज से, यानी कि आज 24-25 तारीख हो गया हमारा, और कल 24 तारीख को 8 बजे ये सारे गाइडलाइंस हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें दिए हैं। तो पहला है यहाँ पे कि डिफेंस सर्विसेज हमें मिलेगी, जो सेनाएं हैं वो कूद रही हैं इसमें लड़ने को, सेंट्रल आर्म फोर्सेस ये भी हमारे साथ सहयोग करेंगी इस लड़ाई में। दूसरी चीजें हैं दोस्तों जो कि जरूरत वाली चीजें हैं, जैसे कि पेट्रोलियम है, CNG, LPG, PNG, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी यहाँ पे। कोई ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं है आपको कि घर में आपको स्टोर करके रखा जाए। जी हाँ, हर वो जरूरत वाली चीजें आपको मुहैया कराई जाएगी। अगर आप किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा इमर्ज है, यानी कि बहुत ज्यादा इमरजेंसी है उस चीज के लिए, तो आपको वो सारी चीजें मिल सकती हैं। आपको यहाँ पे कैदी नहीं बनाया जा रहा है, आपको बस कहा जा रहा है कि सहयोग कीजिए इस लड़ाई में, इस युद्ध में। जी हाँ, ये कोरोना वायरस से युद्ध है हमारा। दूसरा यहाँ पे गाइडलाइंस दिया गया है दोस्तों स्टेट लेवल के लिए। जो मैंने अभी बताया वो तो सेंट्रल लेवल का था पहला, दूसरा यहाँ पे स्टेट लेवल का है। स्टेट लेवल में दोस्तों हम बात करेंगे ऑटोनोमस बॉडीज और जितने भी कॉरपोरेशन हैं वो सारे क्लोज रह सकते हैं। दोस्तों स्टेट और यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं हमारे देश के, उनमें जितने भी ऑटोनोमस या फिर गवर्नमेंट बॉडीज हैं, वो जो कि ऑफिसेज वगैरह हैं, वो सारी चीजें बंद रहेंगी। यहाँ पे अगर कोई सहयोगी होगा हमारे स्टेट में, तो हमारे स्टेट की पुलिस होगी, होमगार्ड्स होंगे, सिविल डिफेंस होंगे, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह आपको मुहैया कराई जाएगी, डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग यहाँ पे हमारे साथ होंगे। दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड टेरिटरी ये भी हमारे लिए ओपन रखी गई है, ताकि कोई भी आपदा अगर ऐसी आती है तो ये सहयोगी कर सके हमारे लिए, सहयोगी बन सके हमारे। तीसरी चीज है यहाँ पे दोस्तों स्टेट लेवल पे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और यहाँ पे सैनिटरी, यानी कि जो भी जरूरत की चीजें हैं वो आपको मुहैया डेली लेवल पे कराई जाएगी, वो ऑफिसेज आपकी ओपन रहेगी, ताकि आपको रेगुलर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिल सके, पानी जो सप्लाई होता है आपके राज्य में वो सारी चीजें मिल सके। अच्छा, म्युनिसिपल बॉडीज उतने ही लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है ऑफिस में जितने लोगों की जरूरत है। जी हाँ, आपके आस पड़ोस, आपके मोहल्ला, जितने भी चीजें हैं साफ सफाई करने के लिए म्युनिसिपल बॉडीज के लिए यहाँ पे स्टाफ बुलाए जाएंगे, लेकिन सभी को नहीं बुलाया जाएगा, कुछ एक को बुलाया जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके मोहल्ले में साफ सफाई नहीं हो रही है, तो ज्यादा पैनिक ना हो, आप लोग खुद भी साफ सफाई कर सकते हैं, घर से बाहर अपने निकलकर अपने दरवाजे तक तो कम से कम साफ सफाई कर ही सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात हुई है हॉस्पिटल्स की। जी हाँ, हॉस्पिटल्स ओपन रहेंगे, और वो सभी, तीसरी चीज बता रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, ध्यान से सुन लीजिएगा, हॉस्पिटल्स ओपन रहेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी मेडिसिन स्टोर होंगे वो सारे चीजें आपके लिए ओपन की गई हैं। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन
यूनिट्स जो है, जो भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के हो, वो सभी ओपन, चाहे सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, ये ओपन रह सकते हैं। उसकी डिस्पेंसरी जो है वो ओपन रखी जा सकती है, और जो दवाएं जहां पे अवेलेबल है यानी कि वो आपको ओपन रहेगी। तो ये तीन चीजें हैं जो कि जरूरत वाली चीजें थी, ये आपके लिए ओपन रहेगी। चौथे पे चलते हैं, कुछ ऐसे दुकान आपके लिए ओपन रखे जाएंगे जहां पे आप अपने किराना राशन के सामान लेते हैं, वो सारी चीजें आपके लिए ओपन रखी गई है। तो ज्यादा आपको हेक्टिक नहीं होना है, जो जरूरत वाली चीजें हैं रोज की आप जाके बाजार से ले सकते हैं। हाँ, अगर आपको कहीं भी पुलिस वगैरह रोकती है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो आपको अपना कारण बताना होगा और एक समय निर्धारित कर लीजिएगा कि उस समय उठकर आप जाके अपने सारे सामान की चीजें लेकर आ सके दिन भर की, जो कि आप खा पी सके घर में आराम से। सब्जी फ्रूट्स वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, ज्यादा हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है। आप लोग घर बैठिए, सारी सुविधाएं जो कि रोज मिलती थी, बस यही है कि घर से बाहर ना निकले। अगर निकले भी तो घर का एक कोई मेंबर जाए, और वो भी मैं बोलूंगा कि यंग मेंबर जाए। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर ओल्ड मेंबर जाता है और वो अगर ग्रसित होता है कोरोना से कहीं ना कहीं, तो वो शायद लड़ सकता है कुछ दिनों तक, उसकी जो सेवाएं हैं उसको दी जा सकती हैं, उसको सुधार किया जा सकता है। लेकिन जो ओल्ड एज के लोग हैं वो ना निकले घरों से, क्योंकि वो अगर संक्रमित हो गए तो वो ज्यादा लड़ नहीं सकते उससे, और वो फिर पूरे घर को बीमार कर सकते हैं। इसलिए आप अपने घर में अगर जाते हैं तो कोई एक पर्सन जाए और सारे सामान की चीजें लेकर आ सकते हैं बाहर से। तो ये तो चीजें हो गई दोस्तों। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट की, पेट्रोल पंप वगैरह, एलपीजी वगैरह, जो भी कैपिटल एंड द डेबिट मार्केट वगैरह जो भी है, ये सारी चीजें आपके लिए ओपन रहेंगी, जो कि फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सके। जी हाँ, अगर आप बैंक जाना चाहते हैं तो बैंक आपके लिए ओपन रहेगा, लेकिन भीड़ में ना जाए। अगर एक आध दो लोग हैं घर में तो वही जाए, अगर ऐसे कुछ काम होते हैं बैंक के तो वहां से जाए, अपने पैसे निकाले और घर आए। जी हाँ, डेबिट करना है या मार्केट में जाके कहीं ना कहीं कुछ लेन देन करना है तो सिंगल जा सकते हैं, लेकिन बहुत ही इमरजेंसी है तो ठीक है। यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वो ओपन रहेंगे, जैसे कि बैंक और आपका सेबी जो है ये ओपन रहेगा। कोल्ड स्टोरेज जो भी है वो सर्विसेज आपको दी जाएंगी यहाँ पे। प्राइवेट सिक्योरिटी की सर्विसेज भी मिलेगी आपको, कि कहीं ना कहीं कुछ चोरी ना हो जाए, इसलिए जो भी वो सारे सेवाएं रहेंगी, जैसे कि एटीएम में, बैंक में, या फिर आपके कोई ऑफिसेज वगैरह है तो वहां पे प्राइवेट सिक्योरिटी रहेगी, तो उनके लिए ये छूट है, वो जा सकते हैं अपने काम पे। देखिए, पांचवी और छठी चीजों में हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे सिर्फ उन्हीं चीजों का होगा जो कि जरूरत वाली चीजें हैं। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो कि ई कॉमर्स वाली चीजें होती हैं, वो आपको सुविधा पहुंचाने के काम करते हैं, लेकिन अगर वो ई कॉमर्स वाले लोग मार्केट में जा रहे हैं और उनको अगर कोई पुलिस वाले लोग रोकते हैं तो उनको अपना आईडी कार्ड दिखलाइए और ये दिशा निर्देश के बारे में आप लोग बताइए कि उनको यहाँ पे ये छूट दी गई है। और मैं अपने चैनल के माध्यम से उन सभी पुलिस कर्मियों से भी एक आग्रह करूंगा कि ऐसे लोगों को ना रोके जो कि सेवाएं दे रहे हैं, चाहे वो नर्स हो, कंपाउंडर हो, डॉक्टर हो, या फिर वो एक ई कॉमर्स का बॉय हो। जी हाँ, जो कि सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस दिशा निर्देश में उनको दिए गए हैं सारे ऑर्डर की वो जा सकते हैं, सारी चीजें पहुंचा सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे होटल्स वगैरह और लगेज, जो लॉज वगैरह है, वो सारी चीजें ओपन उन्हीं के लिए रह सकती है जो कि लोग वहां पे फंसे हुए हैं। जी हाँ, अभी आप सभी को पता है कि एकदम से लॉकडाउन कर दिया गया है, तो जो लोग अगर कहीं गए हुए हैं घूमने फिरने और वहीं पे रुक गए हैं इस चीज को लेकर, तो उनको वहां पे उसके लिए सुविधाएं दी गई हैं, तो वो वहीं रहें, निकले नहीं, कम से कम इसका अनुपालन जरूर करेंगे। दोस्तों, यहां हम बात करेंगे कुछ सोशल और पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट एकेडमी की। जी हाँ, ये सभी क्षेत्र में जितने भी लोग कार्य करते हैं, जैसे कि मान लीजिए फिल्म की शूटिंग हो गई, या क्रिकेट मैच हो गया, या फुटबॉल मैच हो गया, इन सभी चीजों को यहाँ पे बंद किया गया है। जी हाँ, आप इन सभी में अगर मान लीजिए कहीं आप वीडियोस ही बनाते हैं, यूट्यूब का कोई वीडियो बनाते हैं और ये आउटडोर में जाके बनाते हैं वीडियोस, तो वो वीडियोस आपको यहाँ पे नहीं बनाने को मिलेगा, क्योंकि स्पेस आपको नहीं दिया जाएगा बाहर जाने के लिए। जी हाँ, ये यहाँ पे रुका गया है इन सभी चीजों के लिए। शायद वो जो दोस्त हमारे प्रैंक वीडियो शूट करते हैं या फिर कुछ मूवीज वगैरह, शॉर्ट मूवीज वगैरह शूट करते हैं, उनके लिए ये दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप घर बैठे
कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, आप होम टू वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप अपना काम घर से बैठे कीजिए। इंटरनेट की सुविधाएं आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेगी। जी हाँ, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, इंटरनेट की सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं इस दिशा निर्देश में। तो दोस्तों, ये सारे के सारे जितने भी मैंने यहाँ पे दिशा निर्देश दिए हैं, ये सभी आपके लिए मुहैया कराए जाएंगे, और जो मैंने बताया नहीं कराए जाएंगे उसके बारे में सारा डिटेल यहाँ पे मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दिया है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इस चीज से अवेयर कीजिएगा कि वो भी सहयोग करें इस कोरोना से लड़ने के लिए, हमारे देश को, हमारे पूरे राष्ट्र को इस वायरस से लड़ने का ताकत मिल सके घर बैठे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।